हिंदी कहावतों के पीछे कोई न कोई कहानियां जरूर होती हैं। एक कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी, घूम घूम अपने को दिए। इस कहावत के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर है। चलिए एक कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यह कहावत उस कहानी के आधार पर सटीक है। एक गड़रियों का गांव था। ये लोग अधिकतर बकरियां और भेड़े चराने का काम किया करते थे। उनमें कई लोग ऊंट भी रखते थे। ऊंट से गांव के आसपास लगने वाले हाटों का सामान लाते ले जाते थे। एक दिन एक गड़रिया ऊंट खरीद कर लाया। उसने इस खुशी में लोगों को प्रसाद बांटना चाहा। उसने दो व्यक्तियों को बनिया के दुकान पर भेज दिया। बनिया के यहां उस समय कोई मिठाई तैयार नहीं थी, लेकिन रेवड़ियां बनी हुई थी। वे लोग दो से रेवड़ियां खरीद कर ले आए। उस समय उंटवरिया के दरवाजे पर सैकड़ों लोग इकट्ठे थे। दोनों ने रेवड़ियों का अंगोछा चबूतरे पर रख दिया। अब रेवड़िया बांटने का समय आया तो समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति को चुनने के लिए लोग सोचने लगे। तो एक व्यक्ति वहां पर नैनसुख का नाम लिया। नैनसुख को बुलाया गया। रेवड़ियों का अंगोछा नैनसुख को पकड़ा दिया। नैनसुख ने अंगोछे की झोली बनाकर बाएं कंधे में टांग ली। नैनसुख के हाथों में झोली आते ही आवाजें आने लगी। कोई कहता बाबा मुझे देना रेवड़ी, कोई कहता ताऊ जी मुझे देना रेवड़ी। इस प्रकार तरह तरह की आवाजें आने लगी उस भीड़ से। नैनसुख थे तो बहुत होशियार, लेकिन अंधे थे। बीच में खड़े हो गए और चारों ओर से आवाजें आने लगी। वे आंख फाड़ फाड़ कर आवाजें पहचान रहे थे। आवाजें पहचानने में उन्हें महारत हासिल थी। आवाज से हुए जान लेते थे कि बोलने वाले का नाम क्या है। उन्हें अपने घर वालों की, घर के आसपास के लोगों की, उनसे रोज बतियाने वाले आवाजें याद थी। एक आवाज आई, काका मुझे देना। नैनसुख तुरंत समझ गए कि यह तो आवाज मेरे भतीजे की है। नैनसुख बोले, कौन? श्यामलाल। उत्तर मिला, हाँ काका। नैनसुख ने कहा, लो बेटा, और रेवड़ियों की एक मुट्ठी इसकी ओर बढ़ाई। फिर दूसरी तरफ आवाज आई, ओ दद्दू मुझे भी देना। नैनसुख ने आवाज पहचान लिया, अरे कौन? रामलाल। उत्तर मिला, हाँ दद्दू। नैनसुख ने रेवड़ियों की एक मुट्ठी फिर निकाली और बढ़ा दी उस ओर। रामलाल ने रेवड़ी ले ली। अब की बार पुनः आवाज आई, ओ भैया मुझे देना। यह आवाज राम प्यारी की थी। नैनसुख तुरंत पीछे घूम गए और बोले, कौन? राम प्यारी। उत्तर मिला, हाँ भैया। और एक मुट्ठी उस ओर देते हुए कहा, लो तुम भी रेवड़ी खाओ। नैनसुख रेवड़ियां बांटते बांटते चक्कर घिन्नी हो गए। कभी दाएं घूमते, कभी बाएं घूमते, कभी पीछे घूमते, फिर सामने की ओर घूम जाते। दूर से देखने वाला यही समझेगा कि भीड़ में कोई घूम घूम कर नाच रहा है, और वह भी ऐसा पुरुष। नैनसुख को थोड़ी सी झुंझलाहट होने लगी थी। लोग समझ गए थे कि नैनसुख उन्हीं को रेवड़ियां दे रहे हैं जिनकी वे आवाज पहचानते हैं अथवा जिनको जानते हैं। तो अब जैसे ही रेवड़िया की मुट्ठी झोली से निकालते तो दूसरे लोग बीच में ले लेते, और जब नैनसुख किसी को आवाज दोबारा सुन करके देने लगते तो लोग कहते, अरे इसको तो आप दे चुके हैं, मुझे दीजिए, मुझे नहीं मिली है। यह तमाशा देखकर कुछ लोग फुसफुसाने लगे कि नैनसुख तो अपने लोगों को रेवड़िया बांट रहे हैं। तो भीड़ में से एक नैनसुख के बुजुर्ग साथी ने कहा, भैया अंधा बांटे रेवड़ी, घूम घूम अपने को दिए। तो इस तरह से यह कहावत इस कहानी पर सटीक बैठती है, और इसी तरह से फिर आगे और कहावतों पर हम बात करेंगे किसी एक नई कहानी के साथ।